वरिष्ठ आंगन में उपस्थित साथ ही सजनों, माता एवं बहनों, जो भी यह कंपनी अथवा इस कंपनी की कलाकार टूटी फूटी शब्द में खेलेंगे, बेटा समझकर, मित्र समझकर, शाखा समझकर क्षमा करेंगे। हे दोस्तों, आज मैं इस रंगमंच पे जो गुणगान कर रहा हूं, श्री 108 श्री गुल्ठा बाबा जी का मैं शिष्य हूं। गुल्ठा बाबा जी, जिस समय हम रंगमंच पे चढ़े हुए थे मठियानी झूला में, उसी समय में गुल्ठा बाबा जी अपने छत्र छाया से दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए और बोले कि बेटा ज्वाला, तुम आगे जा करके अपने विजय का फटक्का फैलाओगे और उसके साथ साथ मेरा नाम भी उज्जवल करोगे। तो हे दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी टूटी फूटी शब्द में गान बजान कर रहा हूं, वह गुल्ठा बाबा जी का देन है। जो मेरे गुरु महाराज हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं। हे दोस्तों, आज की रात मेरी कंपनी निर्णय की है, कलयुग कैसे सताया, कलयुग कैसे सताया, कली कलयुग का खेल है। अभी से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरी कंपनी की कार्यक्रम जारी रहेगी। आप लोग शांति बना करके बैठेंगे, शांति बना करके बैठेंगे, शांति बना करके बैठेंगे। वो खाएंगे आशीर्वाद और ये सिपाही जी, उनकी तरफ से 101 रुपए की नोट से कदर कर रहे हैं उन श्रीमान जी को एवं पधार जनता को धन्यवाद। यागे हमारे भैया मोहन मंडल जी, जो हमारे पूज्य बड़े सारा लगते हैं, जो कंपनी द्वारा मैं कलयुग के रोल में उपस्थित हूँ, कलयुग रोल को कदर करते हुए मोहन मंडल जी 101 रुपया की आदाब हमारे हैं। पार्टी ओर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे बात है श्री जनक रंजनी सीतालंका शोक पैप का से आशीर्वाद दी थी कि मोहन भैया गोपाल गोपाल को आशीर्वाद देता हूं। हे
85,000 वर्ष की जोड़ी लेकर इस धरती पर उपस्थित हूं। इसमें जहां कलजुग की वासना होती है, जहां जुआ मादरा पैसा सोना चांदी का व्यापार, जहां गाय के खिलाफ जहां मादरा पान चलती हो, वहां कलजुग की वासना होती है। जहां पर जाकर कल जी जाकर बैठता अंदर से अपने भाई कली को आवाहन कर रहा हूं। कली जहां भी होंगे मेरे पास अवश्य आएंगे। कले खुश रहो कले। मित्र भुवन का समाचार सुनाओ। मित्र भुवन का समाचार बहुत है भैया कलजुग, वहाँ हरि गुण गान होते हैं, जग होते हैं, तप होते हैं, सब निज धर्म पर चलते हैं। मित्र भुवन पर, मित्र भुवन पर मेरा नाम का छापा नहीं होता। नहीं नहीं भैया,
महावीर झंडा, परंतु इस बीच में कलयुग का कोई नाम नहीं। नहीं भैया, कलयुग उस मृत भूमि पर कलयुग का कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको जानता भी नहीं। जय महाकाल, जय महाकाल। यह बता, मैं जो शब्द तुमसे पूछ रहा हूं सिर्फ उसका उत्तर देगा मुझे। यह बता कि सबसे भरी बारिश पंडित कौन सी राष्ट्र में पूजा अर्चना करवा रहे हैं। अगर मैं इनको बतला देता हूँ सही पंडित कौन है, उसका सत्य भंग कर देगा, पतिताई नष्ट कर देगा, लेकिन मुझे अपनी भी जान प्यारी है। मैं सूर्य भगवान को आवाहन करता हूँ, ऐसा मुझे वरदान है। सब दिखाई दे देते हैं भैया। बस मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें भेद करता हूँ, बस जाकर उच्चारण करो कि कौन सी राष्ट्र ऐसा है जिसमें विश्व पंडित है, कौन सी राष्ट्र ऐसी है जिसमें सुंदर नारी और सुंदर सती नारी है, कौन सी ऐसी राष्ट्र है जिसमें महामहावीर योद्धा है, कौन सी ऐसी जंगल है जिसमें ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है, बता हमें। बता रहा हूं, अगर मैं नहीं बताऊंगा मेरे भैया कलयुग है, मुझे ही मार डालेंगे, क्या करूं, मुझे तो बताना ही पड़ता है। पंडित है, काशी में विश्व पंडित। आगे बोल भैया कलयुग, जल्द बताओ। जल्दी बतला रहा हूँ, सबसे सुंदरी स्त्री और सबसे सती नारी नग्न मोहब्बा में है। एक सोना नाम की सुंदरी और फूला नाम की सती स्त्री है। सुंदरी सती वीर पुरुष कौन सी राष्ट्र में है भैया कलयुग? मैं देख रहा हूं संसार में सबसे बड़ा वीर नग्न मोहब्बा में है। नाम क्या है? नाम उसका रुदल नाम का है वीर। Yeah!
अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। जब मैं तुम्हें आवाहन करूं कि कली प्रगट हो तो तुरंत प्रगट हो जाना। ठीक है भैया कर दूंगा। तो याद रखी से लठरंग को। ठीक है जब मैं याद करूंगा नहीं आओगे तो इसी लठरंग से तुमको हड्डी को चूर चूर कर दूंगा। मैं इस समय जा रहा हूं काशी, विश्व पंडित से संपर्क करूंगा। भैया सुनो ये मत फिर समान